नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस से देश में रोजाना तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने COVID-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कोरोना की और लहरें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। द हिंदू को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि महामारी की जंग में बहुत कुछ वायरस के विकास पर भी निर्भर करता है। वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की क्षमता और वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी कितने समय तक लोगों का बचाव करती है, ये काफ़ी मायने रखता है। इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि महामारी के इस घातक चरण का निश्चित तौर पर एक अंत होगा। साल 2021 के अंत तक हम ऐसा देख सकते हैं जब दुनिया की तकरीबन 30% आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। यही वो समय होगा जब हम लगातार हो रही मौतों में गिरावट देखना शुरू करेंगे। इसके बाद 2022 में वैक्सीनेशन में तेजी आ सकती है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि हम सब महामारी के चरण से गुजर रहे हैं। यहाँ अभी भी कई मुश्किल पड़ाव बाकी है। हमें अगले 6 से 12 महीने तक अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा, जो कि बेहद कठिन समय हो सकता है। इसके बाद ही नियंत्रण या उन्मूलन को लेकर लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बात करनी चाहिए। हम जानते हैं कि वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी और नेचुरल इन्फेक्शन से बनने वाली इम्यूनिटी कम से कम 8 महीने तक रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं। इलाज के प्रोटोकॉल्स पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक गलत ड्रग का गलत समय पर इस्तेमाल करने से उन्हें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही दवाओं का कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश बीमारी से निपटने के लिए WHO के प्रोटोकॉल्स का सहारा ले सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस दौरान न सिर्फ समस्याओं का हल बताया बल्कि कई फायदेमंद रणनीतियों को अपनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर में निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी साफ हो गया है कि हमारी ज़िंदगी में बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल रहना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट IPN।